राइस मिलर्स ने किया अनिश्चित हड़ताल का ऐलान और शासन की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। शनिवार को बालाघाट राइस मिलर्स एसोसिएशन नवगठन के बाद अमानक चावल के नाम से शासन प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत ने बताया कि वर्ष 2019-20 में जो धान शासन प्रशासन द्वारा मेलिंग के लिए प्रदान किया गया था उसकी क्वालिटी खराब थी, उसके बावजूद इसको मिलर्स ने कोरोना वायरस जैसी महामारी में गरीबों को प्रदाय किए जाने वाले चावल की आवश्यकता को देखकर विपरीत परिस्थिति में भी धान की मिलिंग की और प्रशासन को चावल प्रदान किए। किए गए चावलों को अमानक बता दिया गया, जो कहीं से भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। केंद्रीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अमानक चावल को लेकर हो हल्ला मचाकर शासन प्रशासन का सहयोग करने वाले राइस मिलर्स को चोर बताने का काम किया जा रहा है, उससे राइस मिलर्स की निष्ठा को भी इससे आंच पहुंचती है, जिससे मिलर्स साथियों में निराशा है। मोनू भगत ने कहा कि वह अमानक चावल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की प्रशंसा करता है। इसके लिए शासन प्रशासन पर मिलिंग के लिए तय की गई नीति का भी दोष है, जिसके कारण मिलर्स को कठिनाई उठाकर अपने व्यापार के लिए सरकार के पास करोड़ों रुपए की प्रतिभूमि जमा कर यह काम करना पड़ रहा है ताकि उनका व्यवसाय चलता रहे। लेकिन एक रिपोर्ट पर अमानक चावल को लेकर पूरे मिलर्स के साथ दोषियों की तरह व्यवहार, जो कि गलत है, और पूरे राइस मिलर्स इसकी निंदा करता है। अब ये जिम्मेदारी जो भी है, जो भी कार्रवाई की गई है, हम इसके जो पीएस महोदय ने टेस्ट मिलिंग के लिए लिखे हैं बालाघाट की धान सिवनी में रखी हुई है, वो टेस्ट मिलिंग आपकी निगरानी में हो, मीडिया की निगरानी में, उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसी प्रकार के मैं इसमें मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। अब जो भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं नीति संगत नहीं है अनुबंध के अनुसार, लेकिन सम्मान तो करेंगे, जांच एजेंसी का हम सहयोग भी करेंगे और उसके बाद में टेस्ट मिलिंग के बाद ही हम किसी प्रकार के कस्टम मिलिंग के आगे करेंगे। और आज से हम कस्टम मिलर पूरे मध्य प्रदेश के हड़ताल पर जा रहे हैं। मैंने आपको बता दे रहा हूँ, मजबूरी भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 100 रुपये के जमीन जायदाद हम गिरवी रखते हैं, समझ लो बैंक में मॉर्गेज करके हम बैंक गारंटी FDR बनाते हैं, वो FDR हम वहाँ जमा करते हैं और अनुबंध करते हैं। मान के चलो हमने 10 लॉट का अनुबंध किया, ठीक है, और हमने 4 लॉट का धान पीस के उनको चावल दिया और 5वें लॉट में जब उनके द्वारा खराब धान दी जाती है तो वो धान हम बोल देते नहीं उठाना है हमको, हम नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे ऐसे लेटर निकालते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपको उठाना पड़ेगा, है ना। इन लेटरों से हम भयभीत हो जाते हैं और हम FDR जब्त कर लेंगे, कार्रवाई की जाएगी, पेनाल्टी लगाई जाएगी, ऐसी ऐसी अनेक भाषाओं में यहाँ के DMO जिला उपनिर्वाचन अधिकारी लेटर निकालता है, जो लेटर भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे कल 12-2 बजे तक के। इन लेटरों के डर से ताकि हमारे जो घर दार जमीन जायद बैंकों में गिरे तो 19-20 कैसा भी करके हम चावल पटाते हैं, जैसे भी धान लाते हैं और अपने FDR को निकालने के इसमें रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा पाप और जुर्म हमने किए नहीं जिसकी सजा जिस प्रकार से शासन प्रशासन हमको दे रहा है, और आप लोग टेस्ट मिलिंग के माध्यम से आप हमारे इसके आगे हम न्यायालय की शरण में अपने पत्राचार के माध्यम से और कागजों के माध्यम से न्यायालय की शरण में जाएंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।